सारे भाई ने राम राम। मेरा नाम है राहुल अत्री और इस समय आप देखने लग रहे हो मिस्टर राहुल अत्री यूट्यूब चैनल। तो भाई आज सोनीपत के बराना गांव में मौजूद हूँ। हमारे हरियाणा के बहुत सुप्रसिद्ध शहीद कवि जाट मीर सिंह हुए उनका गांव बराना है और उनके असली जीवन परिचय के बारे में जानने खातर हम आज बैठे हैं। उनके परिवार के कुछ सदस्य हैं तो उनसे उनके बारे में उनका जीवन परिचय सुनेंगे। हालांकि गूगल पे आपको उनका परिचय मिल जाएगा लेकिन असली बातें परिवार को ही पता होती है, गूगल पे इतना खास मिलता नहीं। तो सबसे पहले आप जानेंगे, परिचय जान ले होंगे। राम राम जी। राम राम भाई। भाई मेरा नाम आशीष दहिया है और आपके चैनल मिस्टर राहुल अत्री यूट्यूब चैनल के जितने भी दर्शक है उन सभी को मेरी आशीष दहिया की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। राम राम जी। राम राम। तो एक बार आप जानना चाहेंगे जो शहीद कवि फौजी जाट मीर सिंह थे उनका जन्म और मृत्यु। देखिए उनका जन्म जो रिकॉर्ड के अनुसार बताते हैं, भारत सरकार की तरफ से जो रिकॉर्ड मिला है हमने, 15 फरवरी 1918, और जो उनकी डेथ हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था जो 1945। अच्छा, कितने भाई थे? ये जी चार भाई थे, सबसे बड़े मीर सिंह जी थे। सबसे बड़े मीर सिंह थे। हाँ, उसके बाद में मांगेराम, जो मांगेराम जी थे जी वो अलापाइयों में ही उनका निधन हो गया था। तीसरे नंबर पर भूप सिंह जी थे, चौथे नंबर पर कंवर सिंह जी थे। मीर सिंह, मांगेराम, भूप सिंह और कंवर सिंह, तो वो तो शहीद हो गए थे 1945 में। हाँ, 1945 में। और तीन कौन कौन थे जी? मैं वो दो रह गए थे जो भूप सिंह जी और कंवर सिंह जी, वो बहुत बाद में एक्सपायर हुए। अच्छा, आप किसके लड़के हो? मतलब आप? मैं जी कंवर सिंह का पोता हूँ। पोते हो आप कंवर? हाँ। सिंह के। और आप जी? गांव से हूँ, परिवार से। परिवार से ही? हाँ। जो भूप सिंह थे और कंवर सिंह थे उनके कितने कितने संतान थी? जो जी भूप सिंह जी थे उनके 6 लड़के हैं। भूप सिंह के? हाँ। और जो कंवर सिंह जी थे उनके 2 लड़के थे। कंवर सिंह की जो संतान है किक रहे हैं? जी कंवर सिंह जी की जो संतान है वो खेती बाड़ी का ही काम कर रहे हैं। अच्छा। खेती बाड़ी का ही काम है तकरीबन। और जो भूप सिंह जी की संतान हैं जो मेरे काका तवर है उसमें से 3 तो फौज में थे। अच्छा। दो अनाड़े अपने जमींदारा कर। गूगल पर जानकारी मिले हैं बहुत सारी, जो जानकारी सटीक नहीं बैठती, विश्वास नहीं होता। इब हम कवर करना रहे हैं स्टोरी गर्म है स्पेशल, भाई उनके बारे में कुछ ना कुछ रोचक जानकारी मिलेगी आप लोगों ने। तो जो उनकी पत्नी थी, क्योंकि जाट मीर सिंह के बच्चे थे नहीं, वो अपनी पत्नी से भी एक बार ही मिले थे मेरे ख्याल से। हाँ, एक बार मिले थे। शादी होने के बाद भी नहीं रुके थे वो? शादी होने के बाद भाई साहब जब बता रहे हैं कि वो तार आ गया था उस टाइम पर फौज में बुला लिए थे, फिर उसके बाद 1-2 बार छुट्टी आ पाए थे, फिर उसके बाद वो वहीं पर चले गए थे, वहीं पर शहीद हो गए थे वो। इनकी जो शादी हुई थी वो कहाँ हुई थी? इनकी शादी हुई थी समसपुर गांव पड़ा है दिल्ली में, समसपुर उजवा गांव है, वहाँ पे ये ब्याह गए थे। बहुत बड़ी बात आपने सुनने मिला है कि भाई जो उनकी पत्नी थी शहीद कवि जाट फौजी मीर सिंह की, उन्होंने अपनी सारी जवानी सारा बुढ़ापा ऐसे ही गुजार दिया सिर्फ उनकी याद में, ना तो किसी के साथ दूसरा ब्याह कराया, ना किसी का पल्ला कहकर लिया, पल्ला लिया। तो कितनी कठिन रही होगी आपने गांव की लगाई बता दी होगी आपकी चाची ताई, क्योंकि आप तो मेरे थे अपने बच्चे थे उस टाइम जिस टाइम इनकी मृत्यु हुई 2004 में एक्सपायर हुई थी वो, उसमें भाई साहब देखो वो तो जैसे दादा मीर सिंह जी का नाम हो गया ना वो तो उनके साथ में अमर होगी, क्योंकि एक जो नारी के बारे में एक नारी ही अच्छी तरह से जान सकती है, क्योंकि हमें तो इतना ज्यादा ज्ञान नहीं होता, क्योंकि और भाई साहब जिस दिन से शादी हुई थी फिर 1-2 बार वे छुट्टी आ पाए थे, उसके बाद वे कभी छुट्टी नहीं आए सारी उम्र, ना तो उन्होंने किसी का पल्ला उड़ा ना वो अपने घर पर गई, सारी उम्र अपनी सुनाड़े काट दी ब्रोना काम में। तो किसी ने नहीं भी किया होगा भाई अब वो तो हो गए, क्योंकि आजकल के तो पुराने टाइम की बात है, 1945 की बात है जब उन्हें शहीद हुए थे वो, कि भाई दूसरा उस टाइम ज़्यादा थी पर था मेरे ख्याल था भाई पल्ला डाय नहीं दूसरे लगाते करते, लेकिन उन्होंने उस दौरान उस समय में इतनी बड़ी जज्बा दिखाया था कि सलाम है उनके जज्बे को, उनके जज्बे को मना कर दिया था। अच्छा, उनके बारे में ऐसे किस्से जो गूगल पर नहीं है कुछ बता सकते हो? भाई कई किस्से हैं इसे तो जो गूगल पर ना है, जैसे पूरी जानकारी नहीं डाल पाते गूगल पर, कोई कुछ भी लिख कर डाल दे, जैसे कहीं से भी कोई बायोग्राफी बना कर ना अपनी मर्जी से, या कहीं किताब में से पुरानी किताब जो उनमें से ले ली, क्योंकि उनमें भी उनके बारे में पूरा नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी बात है भाई जो गूगल पर ना मिलती नहीं बारे में। के है जी हमें बात आपने पता हो तो? देखो जी बात यह है, एक तो सर्व धर्म में और सब जाता में बैठा करते जो गांव के भी बताओ है, जातिवाद उन्होंने नहीं माना, जातिवाद का उन्होंने लेस मात्र वो नहीं था, अंश भी भाई जातिवाद कर ले, क्योंकि डूमा में भी बैठा करते भाई, मुसलमाना में बैठा करते उस टाइम पर तो देश एक था सारा गुलाम था, तो सब में उठा बैठी थी उनकी मोस्टली, सब दौरों का पी लिया करते वो, किस दौरे भी तकरीबन हर कास्ट से उनके साथी थे। बहुत सारी ऐसी रागणी है जो मतलब बहुत ज्यादा सुने हैं लोग, आज भी सुने हैं, और किसी का तो ऐसी रागणी जो मुझ में नहीं याद है, तो आपका कोई रागणी याद है जिनकी, या आप रागणी के शौकीन तो हो गए जब अपना परिवार में पड़ा, दादा आपका बहुत बड़े रागणी गाया करता लिखे करता, तो आपने कुछ रागणी याद हो जाए आपका? हाँ याद है, एक आधी गान के शौकीन अगर आप गाँव तो आप गा लेते हैं कोई छोटी छोटी में फिल्म, एक बार हम बैठ एक बार हमारे दस का सुना दो जी कोई रागणी
जाट कविमेर सिंह मैंने गिनके दी लिए बोल 360 सवारी वाली खोले नहीं के बाट देख रहा बाट सवारी वाली। अच्छा या तो उसने खरकिया ना गाई थी मेरे ख्याल से गाणी जरा गाणी कई कलाकार ने गा रखी भाई कई कलाकार ने गा। अच्छा एक रागणी और थी तू बिचड़ जाके जाटा में, मैं जब स्टेटस पर सुनी थी रागणी बहुत उरा इबी रुंग रुंग खड़े हो गए थे मतलब दो बोल बोले। तो ये है असली कविताई जो हरियाणा की है, बाकी आजकल तो जिससे गाने बना अपने पता ही है, एक बार वायरल होगा चाहे 1 बिलियन पे बिक जाए, लेकिन एक दो ढाई तीन चार पाँच साल दस साल तक भी रह ले गाना, फिर उसके बाद सारे भूल जाए उस गाना ने और नीचे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं हरियाणा की संस्कृति ने बचा के रखेंगी सदियों तक, याद भी रखागा भाई जाट कवि मेहर सिंह कौन थे, उनकी रागणी क्या थी, क्योंकि उनकी शब्दावली ऐसी थी फ्यूचर बताए कर दे। एक रागणी ऐसी है जिसमें उन्होंने फ्यूचर बताया रखा अपना जो आजकल होने लगा, मतलब वो रागणी कौन सी है जी? वो है जी आ गया बुरा जमाना मतलब गठनिया रह रही है करके कॉल करार वक्त पर नटनिया रह रही है, क्योंकि उस टाइम भी बात तो ये हुई होगी जब उन्होंने ये रागणी बनाई है, किसी ने कुछ दगाबाजी या धोखाबाजी करी होगी जब उन्होंने ये शब्द जोड़े। कोई भी हमारे पुराने कवि देख लो उन्होंने समाज में कुछ गिरावटता देखी होगी तभी उन्होंने इस बारे में लिखा हुआ, ये आप पक्की मान लो। और उस टाइम पर आज टाइम में तो बहुत अंतर हो रहा है भाई, क्योंकि उस टाइम पर उनकी लिखी हुई बात वात सारी बिल्कुल सार्थक होने लग रही है। अच्छा जो उन्होंने रागणी लिखी बस उनमें अपनी जवानियाँ भी लिखी, फौज में लागण से पहले लिखी, फौज में लागण के बाद लिखी, तो कड़ियाँ स्टोर आपने करते थे ये रागणियों जो आपने पिला के? हाँ देखो भाई कुछ रागणियाँ तो गांव में जो बुजुर्ग थे जो बैठा करते हैं उनको मुझ बनी भी आती, कुछ जो उनकी फौज में रागणी थी उनके साथ में जागे मुरथड़िया थे, कई आदमी जो कई जो हमारे जवान थे उस टाइम पर जो उसमें INA में थे वे रागणी वे लेकर आए उनकी, उन्होंने आकर नाड़ी ये बताई भाई ये रागणी उड़ गाया करता वो। अच्छा हाँ उन्होंने ऐड लागन ये बताई है कि रागनी तो आप लोगों ने लिखी फिर में? हाँ लिखी उर्दू में भी लिखी उड़ा है जो उनकी पुरानी है, उर्दू में बतेरी रागनी हमने मिली है जो उर्दू में ही लिखी उड़ा है हमने ट्रांसलेट करवाई उनकी। अच्छा आज अगर कुछ सारी रागनी चाहे मान लो भाई मैंने जाट मेहर सिंह की लिखी सारी रागनी चाहे तो कुछ ऐसा है कि जहाँ रागनी मिल सके? हाँ बिल्कुल मिल सके, उनके नाम से एक ग्रंथावली है भाई वो हमने पब्लिश करवा रखी है। अच्छा आप लोगों ने पब्लिश करवाया? हाँ तो उसमें सारा संग्रह मोस्टली हमने दे रखा है, कुछ रागनियाँ रह रही है वो बाग फिर दे देंगे जो अगले एडिशन होगा ना उसमें दे देंगे हम। अच्छा या ये है जो आप बताओ थे मेरे? हाँ, ये बुक है भाई, कैमरा मैन एक बार स्थिति आप देख लो पूरा क्लिक बीच में करके साफ बना दिया इसने। तो शहीद कवि फौजी मेहर सिंह ग्रंथावली, संपादक हैं डॉक्टर संतराम देसवाल, संग्रहकर्ता एवं संयोजक हैं सन्नी दैया विक्रम, यो अपना गाँव का जब आपने बताया था। अच्छा यही है सार सिस्टम, इसके पीछे जो ये है भाई सारी जानकारी दे रखी है, पढ़ के सुनाऊंगा तो आपने बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ इसका फोटो आपने साइड में दिखने लग रहा होगा। तो आपने जो उनके बारे में इतनी हिस्ट्री पता है, आपके पड़दादा जी थे दादा पड़दादा, तो किसी का आपने फील हुआ है इस बात का भाई हमने गर्व है अपने दादा के ऊपर? भाई देखो गर्व की बात तो है जो इतने बड़े महान आदमी के परिवार में तो भगवान ने मारे थे जन्म दिया भाई, ये एहसान तो जिंदगी भर भी मारे थे ना उतरा, और उनका भी ना उतरा है जो इतनी अलापाइयों में वे शहीद हो गए, इतना सारा जो मैटर था वो लिख के भी चले गए, समाज को एक संदेश भी दे गए, फौज में भी भर्ती हो गए, वहाँ पर शहीद भी हो गए, जमींदारा भी कर लिया, बीच में लठमार भी खा ली बाबू की, सारा काम हो गया भाई। कदे कदे इसी कसक उठा मन में जुड़ू मैं 1940 में बिक जाऊँ सिमता बिक जाऊँ और मेरा सामने बैठे होंगे रागणी गांधे हो, मैं देख आऊँ वो सुने एक बार। भाई देखो इच्छा तो सब की है देखने की, लेकिन वे चीज़ आओगी कहाँ था वो जो कई बार अपने पास जो जिस चीज़ पर जमा चावा नहीं दिल था ऐसा जी कर 1945 में बिक जूँ उसकी असली पिक्चर दिखवा, तो किसी ने पिक्चर भी नहीं मिल रही उसकी डंग सर की। तो ये दो तीन जो पिक्चर हैं इसके अंदर आपने उधर दिखे साइड में दिख रही होंगी तो मैं आपने दिखा दूँगा, वह भी पहचान में नहीं किसी के। अरे काम उनकी पत्नी की भी बहुत बड़ी दाद देते हैं बहुत ज़्यादा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उनकी याद में बिता दिया। 2004 में वो एक्सपायर हुई थी, नाम क्या था जी उनका? प्रेम कौर। अच्छा एक बार मैं कैमरामैन तक कहूँगा जी ऊपर उनका सारा परिवार का जो है पिक्चर दिखा दो, आप मैंने बता दो कौन कौन है बैठे बैठे, फिर मैं उनका जो आपने फोटो के नीचे लिख कर दिखा दूंगा सिस्टम से। आपने इतनी यादें उनकी संजो कर रख रखी हैं ये बहुत बड़ी बात है, कितनी गांव में चहल पहल और बातें रहती है कि शहीद कवि के बारे में? भाई साहब देखो गांव का तो इतना पूरा साथ है, जो इनकी जयंती मनाई जाती है 15 फरवरी को हर सालाना, तो भाई सारा गांव इकट्ठा होगा ना
सब आपस में सहयोग करके ना इनकी जयंती को मनाते हर साल। कई सालों से लगातार चल रही है, इनके नाम से कमेटी है, कई सालों से लगातार इनकी जयंती ऊपर प्रोग्राम का आयोजन करवाया जा समस्त गांव के सहयोग से। उनका कोई कट्टर फैन के बारे में आपके पास जानकारी आई हो? भाई बहुत ज्यादा कट्टर फैन है तो भाई सारी उसका रखनी है दो और मुझबान उसका बातें आ दो उसकी और उसकी जीवन पीछे जाना बहुत ज्यादा मतलब उससे लगाव हो दिल भाई। उस बारे में इस भाई ने पता है एक दादा लच्छे था गांव गए। अच्छा दादा लच्छे के बारे में अपना किसकी जानकारी? वो उनके साथ ही रहा करते, पहलवानी कराया करते और वो उनकी मतलब उनको रागिनी भी बहुत याद थी उनको। वो बूढ़े हो गए थे उसे वो मेरे को रागिनी लिखवाया करते, उनको जब याद ना रहती तो फिर खेत की तरफ चल देते, ये याद आ जाती कोई रागिनी फिर वापस आ जाते भाई इस रागिनी को लिख। अच्छा तो उसको याद आ जाती दो कली एक कली तीन कली मतलब पूरी रागिनी करा दिया करते, दो चार दिन में पाँच दिन में जैसे भी उसको याद आती तभी आ जाते थे मेरे पास भाई इसको लिख ली। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगा इन चीज़ों ने देख के कि भाई हमारे हरियाणा में इतने बड़े बड़े कवि हुए हैं और उनकी रागनी आज भी आपके बाप दादा हमारे बाप दादा सुना है, हम भी सुना है और अपनी लाद भी सुन दिया होगी। अच्छा एक बात और मैंने बताओ, आपके घर में बच्चे हैं उनके मन में आपने जिज्ञासा जगाई कि ये कौन थे ये कौन थे यूके सिस्टम था मतलब? बिल्कुल भाई मोटिवेट तो करते हैं सबको। अच्छा भाई ये पूछा है कि भाई ये पिक्चर किसकी है ये फोटो किसका होता है? हाँ पूछा है ना तो जब एनुअल प्रोग्राम है अगर रागिनी का अवार्ड भी लेकर जाया करा, हम तो छोटे छोटे और गली के काम के बच्चे उन्हें भी लेकर जाया करा। हमारे गाँव में जो थोड़े हैं बच्चे भी भाई स्टेज में इंटरेस्ट है ले ले हैं रागिनी रुगनी ओडो सुन चले जाए भाई दिन में भाई नु है थोड़ा इंटरेस्ट है बच्चा में। हाल फिलहाल जो छोटे नादान बच्चे हैं भाई इनके नाम से एक स्टेडियम भी बनवा रखा है गवर्नमेंट ने, इनके नाम से एक अवार्ड भी चल रहा है हरियाणा सरकार की तरफ से। अच्छा। जो हर साल जो प्रोफेसर हैं और जो गायक कलाकार साथी हैं उनको 2,00,000 रुपए का इनाम मिलता है, इनके नाम से जनकवि फौजी मेहर सिंह अवार्ड हरियाणा सरकार देती है। अच्छा उनके बारे में एक बताओ, जो उनके साथ फौज में थे वो तो सीधे हो गए थे, कुछ बच्चे के भी आएंगे और उनके साथी थे वहाँ कौन कौन है जी छोटा जानकारी? उनके साथी जी कई आए थे उनसे हम मिले भी, एक तो दादा छोटू राम जी थे दौड़ गाँव से, एक ललती राम जी से यहाँ दुबदन माजरा से, एक बरवाड़ा एक पास गांव है सनगढ़ एक वहाँ से थे, एक हमारे खंडा गांव है यहाँ से थे, एक खुद मेरे गांव के ही थे और एक जो उनके साथ में स्वतंत्रता सेनानी है वो लाठ जोड़ी गांव है गवाने के पास में वहाँ पर वो जिंदा रह रहे हैं अब हमारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि उन बातों ने भी 45, 55 और 22 यहाँ हो गया अपने 77 साल हो गए उन बातों ने, अगर उस टाइम कोई पैदा भी होया होगा तो उस टाइम भी आज स्टेज बूढ़ा बुढ़ापा में आया हुआ और वो तो 45 में शहीद हो गए थे, मतलब बहुत बड़ी जनरेशन का फर्क है। बहुत मेहनत करके यहाँ पर आए नंबर लिया इनका परिवार में तो बहुत अच्छा लगा मान सम्मान कराया और यही हरियाणा की संस्कृति असली जो कहीं भी जाओ अब ये लगे कि हाँ अपना घर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने वास्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तेरा भी और हम तो भाई आप यूट्यूबर भाई हैं जो क्योंकि कोई बड़ा चैनल तो इन चीज़ों का दिखाएगा नहीं, जैसे आप कोशिश कर रहे हो हरियाणी संस्कृति को बचाने के लिए तो भाई साहब हम तो आपका ही बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद बहुत। ठीक है जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कवियों के परिवारों के पास जाते हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हो और जो आपके चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको दिखाते हो उनको एक अच्छी जानकारी देते हो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब हम तो आपको, क्योंकि ये हमारी कोशिश रहती है कि आपको वो चीज़ दिखाएं जो आपने नहीं पता हो। और ये वीडियो और जितनी भी घर आके वीडियो बनाई गई है फौजी कवि जाट मेहर सिंह के बारे में सदियों तक जिंदा रहेंगी क्योंकि पिछले ज़माने में चीज़ नहीं होती थी नहीं। अब हैं और सदियां तक देखेंगे लोग इन वीडियो को, तो हमारा उद्देश्य यही है कि उनके बारे में सटीक जानकारी हो, गलत वीडियो ना फैलाएं कोई भी, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, विचार अपने शहीद कवि जाट सिंह मेहर के शहीद कवि जाट मेहर सिंह के बारे में अपने विचार कमेंट कर देना और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत राम राम।